चारी में से आप तो दर्शन जो उठाए थे गंदा दिए थे आगे वाली पीछे हो जाएंगे पीछे वाले आगे हो जाएंगे दर्शन पास में आज निकले थे अब घुमा के सर आगे करेंगे सर है वो आगे
अरे दादा साइड हो जाओ ना, कौन है यार खड़ा हुआ? अरे वाह तुम्हें साइड तो हो ना, हाँ तो पसंद थी क्या उसमें? अरे कमांडर थोड़ा हाँ हाँ बच्चे
हो गई है, काफ़ी वेटरन एक्ट्रेस थी, काफ़ी पॉपुलर थी, बहुत 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 सीनियर हैं, मतलब हम लोग तो बचपन से शमी जी और उनके कंटेम्प्रेरी से काम देख देख करके बड़े हुए हैं। पिछला एक डेढ़ साल बहुत ज़्यादा झटकों भरा रहा है, काफ़ी सारे सीनियर्स कलीग्स बहुत लोग गए हैं, बट देन आई गेस दैट्स लाइफ। शमी जी के लिए तो मैं परिवार को सांत्वना दे सकता हूँ, एंड फॉर हर लाइफ उन्होंने जो कुछ हमें दिया है उसके लिए हैट्स ऑफ, व्हाट अ जर्नी। हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि उनका 10% भी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम देकर चले जाएँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को और लोगों के जीवन में, तो विल बी लकी फॉर्चुनेट। कुछ डिटेल बता पाएंगे कितने बजे हुआ वगैरह? विवेशियस और मतलब अपने समय की वैसी एक्ट्रेस थी। या आप मतलब शमी जी का, जैसी शमी आंटी का, शमी आंटी सब लोग प्यार से बोलते हैं, आप उसी से समझ सकते हैं, पूरी इंडस्ट्री में सब लोग शमी आंटी कहते हैं, और द मोमेंट यू से शमी आंटी यू कैन ओनली रिमेंबर द स्माइल, द लाफ्टर, एंड दैट आँखों में जो चमक है। और पर्सनली तो मैं बमुश्किल शायद एक दो बार मिला हूँगा, बट स्टिल इट फील्स लाइक कि फैमिली का कोई सदस्य चला गया है। दैट्स तो डिटेल बता पाएंगे कितने बजे हुआ घर जी? मुझे जो खबर मिली रात को, अयूब खान हॉस्पिटल में ही थे, और कल शाम को उन्हें फ़ोन आया था, अयूब खान हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं, उनसे पता चल गया था शाम को कि तबीयत काफ़ी ख़राब है, और अस्पताल में जी सुबह उठते ही मैसेज मिला कि रात को आई थिंक तकरीबन 3:15 बजे शी पास्ड अवे। दैट आई डोंट हैव सब डिटेल्स, मुझे मालूम नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रवि रवि क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे इस गम के मौके पर? काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस थी, काफ़ी वेटरन एक्ट्रेस थी, एक करीबी संबंध रहा आप लोगों का? देखो आई थिंक फॉर एवरीबडी इन द इंडस्ट्री शी इज़ ऑलवेज बीन शम्मी आंटी, शम्मी आंटी, सो शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट लविंग पीपल आई नो सिंस चाइल्डहुड। वो मेरे डैड की फिल्मों में काम कर चुकी है, एंड देन बॉमन एंड मी वो ब्लेस्ड टू वर्क विथ हर एंड शिरीन फराद, एंड शी इज़ अ वन आई कैन से शी इज़ सीन हाउ मेनी पीपल हैव टर्नड अप के एट द मोमेंट्स नोटिस, एंड बिकॉज ऑफ हर हम लोग वी हैव एंजॉयड सो मच दैट फिल्म बिकॉज ऑफ हर। शी वाज द वन हु यूज्ड टू मेक सब एंजॉयमेंट करवाती थी, सबसे हंसते रहो। अभी उनका बेटा ने कहा कि उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ सिखा दी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, तो आई एम सॉरी आई क्राइड ही सेड। व्हाट मोर कैन यू से? आई थिंक शी वाज वेरी फुल ऑफ लाइफ, आई डोंट नो अ सिंगल पर्सन हु मस्ट हैव मेट हर एंड नॉट लव्ड, नॉट लव्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक सेकंड, एक सेकंड, एक कुछ कह दी सर, बहुत ही अच्छी देवी थी, सबके दुख सुख में रहती थी और हंसती खेलती औरत थी, आज चली गई, बहुत दुख हो रहा है। थैंक यू सो मच। आई थिंक एक पूरी जनरेशन जैसे ख़त्म ही हो गई है, और शम्मी आंटी आई थिंक हमारे साथ एक बहुत स्पेशल बॉन्ड था, क्योंकि वो मेरी माँ की बहुत ही करीबी सहेली थी, तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, बचपन से उनके साथ रहे हैं, तो आज बहुत ही दुख हो रहा है कि आज वो भी नहीं है यहाँ, और I mean that's all I can say that and of course yes you know जब शबी आंटी के बारे में बात करें तो एक ही चीज़ याद आती है, वो सबको हंसाती थी, और आप देखें कि जितने भी फिल्में उन्होंने की हैं वो she was larger than life, she was always happy, always laughing and always making people laugh, और अंत तक वो वैसे ही थी, तो आई थिंक जैसे हम उन्हें याद करते हैं हमेशा उसी तरह याद करते हैं। थैंक यू सो मच।